वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये किस ईयर का क्वेश्चन है आई डोंट नो। आप अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वॉट आर द बोरोपिट कहते किसको है, बोरोपिट्स कहा किसे जाता है। ठीक है, पहले तो यहाँ पे देख लो कि वर्ड यूज हुआ है पिट्स, यानी डिफरेंट टाइप्स के बारे में भी ये जानना चाह रहा है। एक्सप्लेन विथ नीट स्केच, आप उसको एक्सप्लेन करना है एक अच्छे स्केच से। एक्सप्लेन विथ स्केच, स्केच के साथ इसको दिखाओ। देखो बोरोपिट एक्चुअली कहते किसको है ये जानने से पहले समझो कि बोरो का मतलब क्या होता है और पिट का मतलब क्या होता है। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। क्या बोल रहे हैं बाबू? उधार लेना, उधार लेना। मान लो कि आप किसी दिन क्लास में पेन लेकर नहीं गए हो, तो आप एक वर्ड यूज करोगे, कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूं। तो बोरो का मतलब होता है उधार लेना। पिट्स का मतलब होता है गड्ढा, जब आप एक्सकवेशन करोगे तो वो खाली जगह बन जाएगा, उसको बोलेगा पिट्स। पिट्स को हम रहने देते हैं, गड्ढा शायद आई कैन नॉट राइट इट तो इसलिए गड्ढा आप लोग खुद लिख लीजिएगा वहां पे। और ये एक एक्चुअली पिट्स को बता रहा है, गड्ढा को बता रहा है कि यहां पे हम लोगों ने गड्ढा कर दिया। बोरो पिट का मतलब क्या होता है अच्छे से समझना। मान लो आप एक इम्बैकमेंट बना रहे हो, इम्बैकमेंट बनता है रोड के लिए या फिर आप रेल वगैरह, यानी यहां पे पटरी बिछा रहे हो, रेल बिछा रहे हो, तो यहां पे आपको क्या लगेगा? इम्बैकमेंट का जरूरत होगा। यही इम्बैकमेंट है, इम्बैकमेंट, दिस इज द इम्बैकमेंट, इम्बैकमेंट, दिस इज द इम्बैकमेंट। और इम्बैकमेंट का रिक्वायरमेंट कहाँ होगा? जब आप चैनल बनाओगे, जब आप नहर बनाओगे, तो देखो नहर कैसा होता है बाबू? ऐसा होता है, नीचे गड्ढा होगा इस तरह से, ये बेड होगा, नहर होगा, इसका जो किनारा होता है यहाँ पे भी एक इम्बैकमेंट बनाया जाता है, यहाँ पे भी किनारा, जिसको बैंक बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको बाबू? बैंक। इसको क्या बोलते हैं? बैंक। बैंक आप बोलो या इम्बैकमेंट बोलो, ठीक है, बैंक इम्बैकमेंट भी बोल सकते हो। तो इसको बनाने के लिए कहीं ना कहीं से सॉइल को लाया जाता है, ठीक है, उधार हम लोग सॉइल लेते हैं। यहां से सॉइल लिया जा सकता है या इधर से सॉइल ले सकते हैं। ये क्या है? चैनल, CHANNEL, चैनल मतलब नहर। यहां पे वाटर लेवल, देखो यहां पे बना है इम्बैकमेंट, यहां पे चैनल है, वाटर लेवल है। तो बोरो पिट एक ऐसा जगह होता है जहां से सॉइल हम लोग लेते हैं, ठीक है, और इम्बैकमेंट या बैंक बना देते हैं। सॉइल कहां से लिया जा सकता है? तो आउटसाइड ऑफ, अगर कैनल की बात करें तो कैनल में जो गड्ढा करेंगे उससे भी यहां पे इम्बैकमेंट बन सकता है, या फिर इस तरफ से भी हम लोग इम्बैकमेंट ले सकते हैं। तो इनसाइड भी हो सकता है, बोरो पिट है वो इनसाइड ऑफ कैनल हो सकता है या आउटसाइड ऑफ द कैनल हो सकता है। ये पिट्स जो बात कर रहा है यही चीज आपको लिखना होगा कि बोरो पिट मे बी इनसाइड द कैनल और मे बी आउटसाइड द कैनल। ये कैनल है, ये हम लोग बोरो पिट, यहां से कुछ मिट्टी है वो लिए हैं, बोरो पिट से यहां पे दिख रहा होगा। तो ये क्या हो गया? आउटसाइड ऑफ द कैनल, और ये हो गया इनसाइड ऑफ द कैनल। अगर हम लोग रोड के केस में देखें, अगर रोड या रेल बना रहे हैं तो ये लेफ्ट में या राइट में आपको बोरो पिट दिख जाएगा, जो वाटर पॉकेट का काम करता है। यहां पे पानी क्या होता है? वाटर है, वो स्टोर होता है, वाटर स्टोर होता है, ठीक है, इसको वाटर पॉकेट बोल रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं बाबू? बाद में ये वाटर पॉकेट बन जाता है, वाटर पॉकेट बन जाता है, ठीक है। यहां पे पानी जमेगा, बाद में इरिगेशन के लिए यूज किया जा सकता है। तो जहां से हम लोग, यही हो गया ना बोरो पिट, यही हो गया बोरो पिट, जहां से आपने सॉइल उधार लिया है वही हो गया बोरो पिट। बोरो पिट इज ए प्लेस फ्रॉम वेयर सॉइल इज ब्रॉट, बोरो पिट एक जगह है जहां से सॉइल को लाया जाता है इम्बैकमेंट या बैंक बनाने के लिए। चलो इतना चीज क्लियर हो गया। देखो जब हम लोग इनसाइड कैनल एक बोरो पिट बनाते हैं, देखना अच्छा से, यहां पे हम बना रहे हैं बोरो पिट, यही है क्या है बाबू? बोरो पिट, एक बोरो पिट है इनसाइड द कैनल, कैनल के अंदर है। अगर इनसाइड द कैनल हम लोग एक बोरो पिट बनाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? ये भी वॉटर पॉकेट के जैसा काम करेगा। इसमें सिल्ट जो है, सिल्ट है वो सिल्ट जो है, फाइन सैंड है वो डिपोजिट हो जाएगा, फाइन सैंड विल बी डिपोजिटेड। तो उम्मीद है हम समझा चुके हैं, लास्ट में एक बार बता देते हैं, थोड़ा लाइट चला गया है तो कम रोशनी में सूट हो रहा है, एडजस्ट कर लेना आप लोग। बोरो पिट एक ऐसा जगह होता है जहां से सॉइल को हम लोग लाते हैं और उसका यूज किया जाता है इम्बैकमेंट या बैंक ऑफ कैनल बनाने में। कभी कभी सॉइल कम जाता है फॉरवर्ड कटिंग में, तो हम लोग को बाहर से सॉइल ऑर्डर करना पड़ता है, लाना पड़ता है। जहां से आप सॉइल ला रहे हो
वो जगह जहां से आप सॉइल ला रहे हो एम्बैकमेंट बनाने के लिए, वो जगह जहां से आपने सॉइल को उधार लिया है वो जगह कहलाएगा बोरो पिट। तो उम्मीद है चीजें समझ में आई होगी। तो जो भी कुछ अभी आपको हम समझाए हैं यहां पे लिख देते हैं और एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। दिस इज द आउटसाइड बोरो पिट, दिस इज द इनसाइड बोरो पिट, ठीक है। चलो अब जो भी समझाए हैं लिखवा देते हैं। तो अभी जितना भी कुछ आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताए थे समझाए थे यहां पे लिखा हुआ है। बोरो पिट क्या होता है? तो सर एक पिट होता है जहां से सॉइल को हम लोग निकाल कर यूज करते हैं एज ए एम्बैकमेंट। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है बोरो पिट आर अ स्मॉल पिट्स। बोरो का मतलब क्या होता है? उधार लेना। पिट का मतलब क्या होता है सर? गड्ढा। तो वो वैसा गड्ढा जहां से आपने मिट्टी उधार लिया है, ठीक है। आर अ स्मॉल पिट विच आर एक्सकवेटेड टू ऑप्टेन द एक्स्ट्रा अर्थ। अर्थ का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? सॉइल, ठीक है। आपने क्या किया है? एक ऐसा गड्ढा जहां से सॉइल उधार लिया है। द बोरो पिट आर अ स्मॉल पिट विच आर एक्सकवेटेड टू ऑप्टेन, जिसको गड्ढा किया गया है, ठीक है, किस लिए? ताकि वहां से आपको सॉइल मिल सके। फॉर मेकिंग एम्बैकमेंट और बैंक ऑफ चैनल। तो हम बताए थे कि एम्बैकमेंट और चैनल यानी नहर का जो किनारा होता है उसको बनाने के लिए आपको मिट्टी कहीं से लाना पड़ता होगा। जहां से आप मिट्टी लोगे वो जगह कहलाएगा बोरो पिट, ठीक है। और आप बोरो पिट के जो सॉइल होंगे उसकी मदद से एम्बैकमेंट या चैनल का बैंक बनाओगे, ठीक है। वेन अर्थवर्क इन फिलिंग, अर्थवर्क मतलब एक्सकवेशन भी हो सकता है, मतलब गड्ढा करना और मिट्टी भरना। एक्सकवेशन क्या हो सकता है बाबू? अर्थवर्क हो सकता है, एक्सकवेशन मतलब गड्ढा करना या मिट्टी भरना। व्हेन अर्थवर्क इन फिलिंग इज मोर, जब आपको मिट्टी भरने का जरूरत ज्यादा हो, देन अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, जहां से आपने गड्ढा किया है और जहां पे आप मिट्टी डाल रहे हो, तो फिलिंग ज्यादा होगा तो क्या करोगे? देन सॉइल इज ब्रॉट फ्रॉम अनदर प्लेस। The place where soil is brought is known as borrow pit. वो वैसा जगह जहां से आप soil को लाते हो वो जगह कहलाएगा borrow pit. जहां से the place where soil is brought मतलब लाया गया, जिस जगह से soil को लाया गया वो जगह कहलाएगा borrow pit. देखना, borrow pit may be located either inside or outside in case of channel. Channel के केस में कोई एक नहर है, channel है, उसके केस में बोरो पिट है। देखो यहां पे ये बोरो पिट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है सर? बोरो पिट, बोरो पिट, यहां पे एक बोरो पिट है और एक बोरो पिट यहां पे है। दो बोरो पिट हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। तो इन केस ऑफ चैनल बोरो पिट है, वो चैनल के बीच में हो सकता है या यहां पे साइड में हो सकता है। और ये एम्बैकमेंट बनाया गया है, चैनल मतलब नहर के एक साइड, दोनों साइड में होगा तो एक साइड को हम रिप्रेजेंट किए हैं। और इन केस ऑफ रोड एम्बैकमेंट, रोड जो एम्बैकमेंट होगा उसके दोनों साइड में हो सकता है। इन केस ऑफ रोड एम्बैकमेंट इट मे बी लेफ्ट और राइट ऑफ द रोड, ये रोड के लेफ्ट में और राइट में हो सकता है। चलो इतना समझ में आ गया, एक बार समराइज कर देते हैं। बोरो पिट एक ऐसा जगह है जहां से सॉइल को बोरो किया जाता है, लाया जाता है, किस लिए? एम्बैकमेंट या कैनल का बैंक यानी किनारा बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखना, द साइड बोरो पिट मे बी लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ कैनल। इन साइड बोरो पिट मे बी लोकेटेड एट सेंटर ऑफ कैनल। इन साइड होगा, ये इन साइड मतलब एक साथ है, ये कौन सा है बाबू? इन साइड बोरो पिट, यही है ना, इन साइड बोरो पिट। देखो यहां पे लिखते हैं इन साइड बोरो पिट, बोरो आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान से समझना, वो इन साइड बोरो पिट है। तो इनसाइड बोरो पिट मे बी लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ कैनल, सेंटर ऑफ कैनल के बीच में लोकेटेड हो सकता है। द आइडिया बिहाइंड दिस इज दैट, द आइडिया बिहाइंड दिस इज दैट द सेंट्रल या इनसाइड बोरो पिट बिहेव लाइक ए वाटर पॉकेट, वाटर पॉकेट के जैसा बिहेव करेगा। और जितने भी सिल्ट होंगे, पानी में जो भी सॉइल घुला हुआ होगा, वो यहां पे जाके सेटल हो जाएगा इनसाइड बोरो पिट पे और वो लेवल हो जाएगा। बस ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो यहां तक आप लिख चुके होंगे इनसाइड बोरो पिट मे बी लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ चैनल। तो ये सेंटर ऑफ चैनल के बीच में लोकेट करते हैं ताकि वहां पे क्या हो सके, सिल्ट जमा हो सके और बाद में वो लेवल अप हो जाएगा। आप इसको पॉज करके नोट करो, इरेज करके आगे बता रहे हैं, पॉज करके नोट कीजिए इसको, इरेज करके बस ये जो सेंटेंस है ना, इसी सेंटेंस को हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। द आइडिया बिहाइंड दिस इज दैट द इनसाइड बोरो पिट बिहेव लाइक ए वाटर पॉकेट वेयर सिल्ट मे गेट डिपोजिटेड एंड द लेवल्ड,
यहाँ पे सिल डिपोजिटेड हो जाएगा और लेवल्ड हो जाएगा। इसी एक लाइन को यहाँ पे इरेज करके हम लिख देते हैं, आप इसको पॉज करके नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ये एक लास्ट पॉइंट है, इसको भी आप एक्सटेंड कर लो, देखना यहाँ पे लिखें द आइडिया बिहाइंड दिस डैट, जो आप इनसाइड बोरो पिट बनाए हो चैनल के अंदर, जो इनसाइड बोरो पिट बनाए उसका आइडिया ये है, द बोरो पिट विल एक्ट एज ए वाटर पॉकेट, ये वाटर पॉकेट के जैसा एक्ट करेगा। ठीक है, अब वाटर पॉकेट याद नहीं रहे तो आप बस किसके जगह कुछ और रिप्लेस कर दो, बोलना विच इज एक्ट एज ए पिट वेयर सिल्ट विल बी डिपोजिटेड एंड चैनल बेड गेट लेवल्ड। अगर ये इनसाइड बोरो पिट अगर नहीं दोगे तो ये चैनल बेड के ऊपर ही सिल्ट डिपोजिट होगा और बेड का हाइट थोड़ा बढ़ सकता है, तो इसलिए इनसाइड बोरो पिट हम लोग दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बोरो पिट समझ में आया होगा। एक बार लास्ट में समराइज कर देते हैं कि बोरो पिट एक ऐसा जगह है, एक ऐसा गड्ढा है जहां से सॉइल का जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो फुलफिल किया जाता है। अगर हमको 100 मीटर क्यूब सॉइल का रिक्वायरमेंट है तो वो सॉइल हम लोग जिस भी जगह से लेकर आएंगे वो जगह कहलाएगा बोरो पिट। जहां से सॉइल लाते हैं हम अपने यूज करने के लिए वो जगह कहलाता है बोरो पिट। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, अगले लेक्चर में कुछ और थ्योरी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। थैंक यू।